कैसे बनाओ फ्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशी सुल्तान एंटरटेनमेंट। यस, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सब की दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। यस जी, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक शेयर कर ले, फुल वॉच किया करें और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखें। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो जिनके बिहाइंड द कैमरा है, जी बिहाइंड द कैमरा है, हमारी कैमरा मैन है जी, बिल्कुल हम आपके सारे कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट्स रिप्लाई भी देंगे। और हमारा दूसरा चैनल है ब्लू ब्लडेड, वहां पर भी विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। आज हम आपसे मॉर्निंग टाइम शेयर कर रहे हैं। सुबह में देखें सिस्टर ने जो है ना, सिस्टर ने चाय बनाई हुई है अच्छी सी, ठीक है, दूध पत्ती बनाई हुई है, सबकी टेबल तक पहुंचा भी दी है। ये भी पड़ी है, मेरी है, जुनेद की, मेरी है, भाई जुनेद की और सिस्टर प्यारी की है। वालदा साहब और वालदा साहब और वालिद साहब की चाय टेबल पर पहुंचा दी है, ठीक है। सुबह सुबह रोगनी नान मंगवाए हुए, रोगनी नान है और साथ में दही है, ये हमारा होता है नाश्ता। नाश्ता बिल्कुल भाई, बिस्मिल्लाह। ये देखिए अंडे फ्राई कर लेते हैं, अब दो लोग ही, तीन लोग जी, दो बिल्कुल भाई। मेरी सिस्टर ना तीन अंडे, तीन भी खा लेती है जी बिल्कुल, है ना, तीन, मैं भी तीन खाता हूँ, तीन खा लेते भाई, ये भी तीन खा लेते। वालिद साहब और वालदा साहब का दो अंडे, एक तो खाया नहीं जाता, दो फिर भी खा लेते हैं या तीन खा लूंगी। हमारे घर में एक अंडा तो कोई भी नहीं खाता, सब दो दो अंडे खाते हैं, बॉइल करें तब भी दो खाते हैं, दो ही लोग जी जी, दो बिल्कुल बहुत। एक मिनट, रेड चिली, नमक मिर्च डाल लिए, यस, और अंडे फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल भाई सही है, यस। ऊपर डाला है नमक और मिर्च और काला जो अंडा वो मेरा, पहला अंडा तो हमेशा चिपक जाता है ना भाई। तेज किया मुझे, पहला अंडा मुझे तेज देना भाई, और साथ में दही है ना भाई। ये हमारा सुबह का नाश्ता होता है। वैसे ना मेरी प्यारी सिस्टर जो है सबको नाश्ता सुबह का बना के देती है। यस, आज मैंने कहा चलो आपसे वीडियो भी शेयर करता हूँ, हैंड फ्राई करता हूँ ना जी भाई, बिल्कुल। ये हो गया, ये बनाऊंगा नमक और काली मिर्च वाला, ठीक है, वो रेड मिर्च वाला बनाया था। यस, सिस्टर को रेड मिर्च पसंद है, ठीक, बिल्कुल भाई। ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर वाला अंडा, दिखाओ क्लोज आ जाओ, कुछ नहीं होता, काली मिर्च वाला अंडा। यस जी, अब दूसरा अंडा ना अच्छा फ्राई होगा, ठीक है। ये हमेशा होता है तवे पे ना, पहला अंडा जरूर टूटता है, चिपकता है, ठीक है। यस, ये देखिए दूसरा अंडा हमारा कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, बिल्कुल
फ्राई होगी। कट के थोड़ा सा ना इसमें गरम गरम तेल डालो। ये अब खाने का मजा आएगा, है ना। यस बिल्कुल। अंडे हो गए तैयार। काली मिर्च करना, यस। ये एक इजाफी डाल रहा हूँ, दो दो सबको दे दिए। ठीक है, ठीक है। ये ना सिर्फ काली मिर्च वाला एक इजाफी। और डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। तो अगर फुल चाहते खाना तो एक्स्ट्रा से पलट भी सकते हैं ना। आप लोग मेरे में डाल दो। सही हो गया। अब मैं वो दिखाता हूँ। भाई भी कह रहे हैं मैं भी तीन खा लूंगा ना भाई। यस, अंडा होता छोटा सा तो तीन के तीन ही खाने पड़ते हैं हमें तो। ये देखिए काली मिर्च वाली को, काली मिर्च वाला, रेड मिर्च वाला अपना, रेड मिर्च और काली मिर्च इकट्ठी भी डाल के मजे का बनता है, टेस्टी हो जाता है। बल्कि वो मोटी कुटी भी जो लाल मिर्च होती है ना चिली फ्लेक्स का, उसका भी बनाओ ना, बड़ा टेस्टी बनता है ना। यस यस। ये भी हमारा फ्राई हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हैवी नाश्ता, तीन तीन अंडे और साथ में। हमारा तो रोज का यही नाश्ता होता है, हैवी नहीं है हमारे लिए ये। बिल्कुल हमारा एज यूजुअल यही नाश्ता है ना। यस बिल्कुल भाई। ये ठहर जो, मैं तेल रखू। तो सिस्टर्स आपको ना दही और अंडे देंगे और चाय भी देंगे, है ना। बिल्कुल भाई। जुनेद को, वालदा साहिबा को और वारिस साहब को। इधर नाश्ता, ये दिखाओ मोटी मलाई वाला दही। इधर नाश्ता मेरा और सिस्टर का है ना। जी बिल्कुल भाई। देखिए कितनी मोटी मलाई वाला दही आया है। यस। तो ये मेरा और सिस्टर का नाश्ता रह गया, बस भाई जुनेद की चाय देंगे। चाय देने जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो ये रही हमारी एग्स, काली मिर्च और रेड मिर्च वाले, और हमारे नान, रोगनी नान, ये वाले रोगनी नान। सबको दो दो रोगनी नान दे भी दिए, और ये मेरे और सिस्टर के दो दो रोगनी नान। ये है हमारा सुबह का नाश्ता। नाश्ता तो देखिए फ्रेंड, मैं किचन में ही नाश्ता करता होता हूँ। इधर सिस्टर साथ में बर्तन धो रही है जी। बस आखिरी बर्तन रह गए, सारे धो लिए सिस्टर ने। यस यस। तो ये देखिए मैं बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भी आए हमारे साथ नाश्ता करें सुबह सुबह रोगनी नान का। हमारा तो ये रोज की रोटी है। जी बिल्कुल भाई। ये नान थोड़ा, ये दिखाओ मोटी मलाई वाला दही, ये दिखाओ मलाई है, मोटी मलाई वाला दही। दही से ना रोगनी नान बड़ा मजे का लगता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिखाओ कितनी मोटी मलाई वाला दही है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सिस्टर का भी पड़ा हुआ है, पर सिस्टर ना सारा किचन समेट के साफ करके फिर नाश्ता आराम से खाऊंगे। बिल्कुल। ये दिखाओ अंडा, तीन अंडे मेरे हैं, तीन सिस्टर के, तीन सिस्टर के। बिल्कुल। काली मिर्च वाला अंडा। बिस्मिल्लाह। चले भाई आप एंजॉय करें, तो फिर मैं काम करके तो खाना कर।
देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां आई हुई हैं कुछ और फ्रूट्स आए हैं, ठीक है। यस। सबसे पहले सिस्टर कर रही थी अरवी 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 जी, तो अरवी आ गई है सिस्टर की आज। यस। सिस्टर को अरवी बहुत अच्छी लगती जी, है जी, बिल्कुल भाई बहुत अच्छी लगती है। अरवी भी चिकन बनाएंगे जी। हाँ चिकन बनाएंगे, उसमें डालेंगे ना या हड्डी वाले गोश्त में डालेंगे। हड्डी वाले गोश्त में बनाओ ना, अरवी बहुत अच्छी लगती है, फैली अच्छी है, रख लेते ठीक है जी। देखिए 300 रुपए किलो मिली है, पर मिल गई है ना अच्छी वाली। यस। अरवी और इसके अलावा मटर। यस, मटर भी पसंद है ना। हाँ, मटर आलू बनाएंगे, बीच में अंडे डालेंगे ना, उबले हुए अंडे, बहुत मजा आएगा। मटर भी अच्छे हैं। और इसके अलावा साग है जी, सरसों का साग। ये सरसों का साग है, आजकल सरसों का साग आया है, कड़म का साग आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सरसों का साग, कड़म का साग, बाथू का साग। ये देखिए छोटी छोटी गड्डियां कितनी प्यारी हैं। ये रियल सरसों है। कितनी गड्डी है? 5 गड्डियां, 5 गड्डियां ना, अभी चढ़ाएंगे ना धो के, पूरी रात पकता रहेगा, फिर नेक्स्ट डे ना तड़का ही लगाते हैं बस, है ना। यस। देखिए कितना ताजा साग है, बड़े जबरदस्त साग है। इसे ना हम बाहर पानी से धोएंगे, बोर वाले से, ठीक है। ठीक है, बोर का पानी खुला होता है ना, उससे धोएंगे, ठीक है। यस। ये मूलियां भी पड़ी हैं, इसके पराठे बनाएंगे, बिल्कुल सही है। यस। सालन बना के पराठे बना सकते हैं। सालन के मूली के पराठे बन जाते हैं। और ये लाए देखे खट्टे किन्नू, किन्नू आ गया देखे, बड़ा जबरदस्त खट्टा किलो, सही है। यस। ये वाला खट्टा किलो जो होता है ना, ये आजकल आई हुई वो क्या कहते हैं, शकरकंदियां आई हैं। शकरकंदी उबालें, ऊपर नचोड़ें, ऊपर नमक मिर्च डाल के, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। या ये खट्टा किन्नू मूलियों पे नचोड़ें या अमरूदों पे। हाँ। अमरूद भी आजकल बहुत अच्छे हैं, वैसे भी जूस अच्छा बनता है। इनका जूस, हाँ जूस बनाएंगे, जूस के लिए लाए। पर आलू उबालो या शकरकंदी आजकल आई है ना, शकरकंदी पे डालो, बहुत मजा आता है। आलू पे भी डाल सकते हो उबाल, खट्टा खट्टा इसका जूस। खट्टा किलो, खुशबू तो चलता है ना, खुशबू कितनी प्यारी है। ये पेट भी साफ करता है ना, पेट साफ करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। इसका जूस बनाएंगे और फिर सब पियेंगे इंशाल्लाह। ये ऊपर ही रख देंगे टोकरी, है ना। यस। देखिए ये वाला खाली हो गया, नेक्स्ट वन। ऊपर देखे बड़े बड़े किन्नू डाले होते हैं, नीचे छोटे नीचे छोटे डाले होते हैं, बिल्कुल जी। ये वाले ना थोड़े ज्यादा पके हुए हैं ना, येलो से। ये खट्टे मीठे होंगे, है ना। यस, खट्टे मीठे तो होंगे, तो जूस निकालेंगे फिर बीच में ना नमक वगैरह डाल के खाएंगे, तोड़ दिए ये खा लेंगे। हाँ, इसकी ऐसे स्टंप उतर जाए ना, ये खा लेते ये मुख्य शक्तियां आ जाएंगी, रस्सी इनको खराब भी हो जाएगा। ये तकरीबन कितने दर्जन होंगे? 10 होंगे ना, 10 दर्जन, इससे ज्यादा। हाँ 10 होंगे, 10 दर्जन होंगे, बिल्कुल 100 से ऊपर के।
100 से बिल्कुल 150 होगा, बहुत अच्छा होता है। 10 चर्चा है इसका, हम तो जूस बनाएंगे बस। यस सही है बिल्कुल। और शकरकंदियां लाएंगे वो उबाल के इसके ऊपर डालेंगे, है ना। इसका जूस शकरकंदियों पे डाल के ना, वही बहुत मजा आता है खाने का। इस सीजन का नया फल यस किन्नू आएगा अभी, बहुत अच्छा किन्नू आ जाएगा। फ्रूटर आएगा, फ्रूटर आया हुआ भी है पर छोटा छोटा सा है, उसमें कुछ होता नहीं है। फ्रूटर आएगा, माल्टे आएंगे, माल्टे बहुत किस्मों के आते हैं, ठीक है। यस ये पहेंगे नहीं हम। तो ये सब्जी, अब चलते हैं साग धोने के लिए। साग धो के काटेंगे, सिस्टर ने चिकन कढ़ाई बना ली है जी। और नान मंगवाएंगे साग के, है ना। अभी तो सबने वो बोटियां सिखाई है बुनी, है ना। यस चलो तो देखे फ्रेंड्स, आ गए अपने कारपोर्ट्स में और धो लेंगे साग। साग धोने के लिए ना बोर का पानी का यूज करेंगे, ठीक है। यस ताकि साग हो, पालक हो, मेथी हो, हम इसी तरह खुले पानी से धोते होते हैं। जी जी ये हमारा कारपोर्च है। ये देखें एक एक गड्ढी खोलेंगे और धोते जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से देखकर दिखाओ, क्लोज भी लो, बड़ा ही अच्छा साग है। देखिए कितना अच्छा रियल है, ठीक है। यस इस तरह डालेंगे और खुले पानी से धो लेंगे, दो दफा पानी से गुजारेंगे, ठीक है। यस पहले हमेशा साग पालक जो होती है ना, पहले धो के मेथी, पहले धो के फिर जो है ना उसे काटा जाता है। बिल्कुल काटेंगे या वो खड़ा खड़ा, खड़ा खड़ा बनाएंगे ना। वालदा साहिबा के तरीके वाला साग बनाएंगे, वो बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। जिस तरह नहीं हमारे घर में बनता, आखिर में हम वो दही डालते हैं और अनारदाना डालते हैं, वो वाला अच्छा बनता है साग, वही सब पसंद करते हैं हमारे घर। एक दफा धुल चुका, अब इसका पानी बदल देंगे, ठीक है। अब ये जो बाकी गड्ढी इसे भी धो लेंगे, और मैं दो दफा धोऊंगा, एक दफा धो के सारा रख लूंगा, फिर प्रोसीजर दोबारा दोहराऊंगा, ठीक है। ताकि इसमें मिट्टी वगैरह रेत वगैरह हो ना वो निकल जैसा हो। वैसे आजकल नहीं होती क्योंकि ये फार्म से आ रहा है, ये आजकल फार्म की सब्जियां बड़ी साफ सुथरी होती है। ये इधर से इस्लामाबाद पिंडी इधर अब जो सब्जी आती है वो आती है अटक, ठीक है। अटक में बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, साफ सुथरी सब्जी होती है। देखिए फ्रेंड्स साफ धो के हमने रख लिया अच्छे से, ये देखिए आप इसको साफ कर रहे हैं इस तरह से। देखें जो लवा लवा होगा ना वो डाल लेंगे, जो खोड़ा होगा मैं उधर फेंकता जा रहा हूँ, ठीक है। यस ये देखिए इस तरह से। सिस्टर ने अपनी आंटी भी बना ली है चिकन कढ़ाई जी, और इसके अलावा सिस्टर ने बनाई ली है बंद गोभी और चने की दाल, गोभी और चने की दाल, ठीक है। यस जो खोड़ा खोड़ा पार्ट है ये नहीं डालेंगे, ठीक है। ठीक है ये देखिए ऐसे साफ करते हैं इसे। ये जैसे खोड़ा है ये नहीं डालेंगे, ठीक है। चलो मैं साफ कर लूं फिर मिलता हूँ, ठीक है। ठीक है सिस्टर इतने में लहसुन छीलेंगी इसके लिए और प्याज,
देखिए फ्रेंड्स, साग हमने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, ये देखिए पक रहा है। अभी इसमें पानी चानी डालना है। सिस्टर की कढ़ाई रेडी हो गई है, चिकन कढ़ाई। हाँ, चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। आप सिस्टर सर्व करने लगी है। इधर सिस्टर ने बनाया हुआ है चने की दाल और बंद गोभी। देखिये बहुत ज्यादा शोरबा ने रखा, कढ़ाई टाइप बनाया है, चिकन कढ़ाई। मसाला सबसे पहले वालदा और वाली साहब को दे देंगे। yes. फिर मैं अपने बड़े भाई को दूंगी, फिर उससे छोटे भाई को, भाई जुनेद, भाई जुनेद भाई काशिफ को देंगे, फिर मैं खुद बैठ के खाऊंगी। ये सिस्टर ने वाली साहब के लिए रोटी डाली है, बाकियों के लिए तंदूरी नान आए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ये दाल दाल भी दिखा दो सर। दाल छोटी दाल से है ना? हाँ छोटी है। ये देखिए दाल और बंद गोभी, बड़ी टेस्टी बनाती है सिस्टर बंद गोभी। ये देखिए, हाँ नान निकाल दो जरा। वाली साहब नान नहीं खाते ना, रोटी खाते। बाकी सब वालदा साहिबा, मैं, भाई जुनेद और सिस्टर जो है नान खाएंगे। ठीक है, ये सिस्टर आप सर्व करेंगे। चलो देखिए फ्रेंड, साग चढ़ा दिए, अब ये पूरी रात पकेगा। ठीक है, प्याज और भी मैंने डाल दिए इसमें। सिस्टर बस अदरक जो है ना कूट के डाल दी। ये इधर कुछ चीजें मंगवाई है, ब्रेड तो हमारे घर में रोज आती है, ये ब्रेड आई है। ठीक है, दिखाओ ये ब्रेड, ब्रेड रोज आती है। ये दही है साग के लिए 2 किलो। ठीक है, ये जुबलियां मंगाई थी, ये सबके लिए एक एक। ये कोल्ड ड्रिंक कोक मंगाई है सिस्टर और मेरे फेवरेट। ठीक, ये सिस्टर के लिए स्नैक्स, ये सिस्टर की बहुत फेवरेट कप केक है पीक ग्रीन्स की। ये है फ्लेवर कैरीमल की, और ये है चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ठीक है, और ये है डबल चॉकलेट फ्लेवर। ये सबसे ये ज्यादा फेवरेट है। ये तीन ही किस्म के होते हैं और तीनों किस्म के हमारे पास चार चार है। ठीक है, ठीक है। दूसरा कैरीमल, दो चॉकलेट, ठीक है, और डबल चॉकलेट एक और कैरीमल, दो डबल चॉकलेट किसी भी ले लिया है ना। यस, दो डबल चॉकलेट। ठीक है, ये मेरा फेवरेट ग्रीन वाला कुरकुरे। यस, ये सिस्टर के फेवरेट कुरकुरे, छोटे ही मिले। ठीक है, सिस्टर साठ वाला था, साठ वाला जी बिल्कुल। ठीक है, और इधर सिस्टर की चीजें हैं, सिस्टर का सबसे फेवरेट मसाला ले ये 80 रुपए वाला, 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 ये
ये थोड़ा नीचे होगा तो ढकल जाएगा। अभी ढक्कन नहीं देना, पानी वगैरह आ जाता है।